हेलो अस्सलाम वालेकुम, चैनल को सब्सक्राइब करें। एक और अपडेट लेके हाजिर हूँ। ओडीआई बैटिंग रैंकिंग अपडेट आई है। बाबर आजम नंबर वन बरकरार हैं और साथ इमामुल हक ने जनाब विराट कोहली को पीछे छोड़ते हुए दूसरी पोजीशन हासिल कर ली है। रोहित शर्मा चौथे, विराट कोहली तीसरे नंबर पर, रोहित शर्मा चौथे नंबर पर आ गए हैं। इसी तरह आप देख सकते हैं कि शाहीन शाफरीदी जो है वो ओडीआई बॉलिंग रैंकिंग में चौथे नंबर पर मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान की T20 के बाद वनडे में भी पहली दो रैंकिंग मौजूद हैं, जो एक बड़ी एजाज़ की बात है। इसी तरह पाकिस्तान की जो रैंकिंग है जनाब ओडीआई में, वो भी चौथी पोजीशन पे आपके सामने मौजूद है। पाकिस्तान ने यहाँ भारत को भी पीछे छोड़ते हुए चौथी पोजीशन हासिल की। ऑस्ट्रेलिया तीसरे, इंग्लैंड दूसरे और न्यूजीलैंड पहले नंबर पर मौजूद है। और पाकिस्तान की रैंकिंग इंडिविजुअली भी बेहतर हुई है और साथ साथ टीम रैंकिंग में अगर आप देखें तो टेस्ट में पाकिस्तान को बड़ा रैंकिंग बेहतर बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान पाँचवें नंबर पर मौजूद है। ऑस्ट्रेलिया पहले, भारत दूसरे, न्यूजीलैंड तीसरे, साउथ अफ्रीका चौथे नंबर पर मौजूद है और टेस्ट रैंकिंग में पाकिस्तान को अभी बेहतरी लाने की जरूरत है। इसी तरह T20 रैंकिंग में पाकिस्तान तीसरे नंबर में मौजूद है, भारत पहले, इंग्लैंड दूसरे और पाकिस्तान का तीसरा। तो यहां पाकिस्तान दुनिया की बेहतरीन तीन टीमों में शामिल है इंडिया और इंग्लैंड के साथ। सो यहां पर पाकिस्तान अगर मजीद मैच जीत जाए तो अभी इंग्लैंड से भी पाकिस्तान ऊपर जा सकता है आने वाले मैचेस को जीत के, चूँकि बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है एक दो सीरीज़ का। इसी तरह बाबर आजम जनाब नंबर वन पर है T20 में और रिजवान या दूसरे नंबर पर हैं, तो दो रैंकिंग में पाकिस्तान के टॉप बैट्समैन जो है वो टॉप टू रैंकिंग में शामिल है, जो पाकिस्तान के लिए एक बड़े एजाज़ की बात है। यूजली पाकिस्तान के बॉलर्स डोमिनेट करते थे, लेकिन अब बैटिंग में पाकिस्तान ने डोमिनेट किया हुआ है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी तरह तमाम अपडेट और खबरें लेकर आता रहूँगा।